नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पे जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, बियर्स अटैक वाले वीडियो में, कि हमारा जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो कल भी नेगेटिव था, तो मार्केट ने आज उसको फॉलो किया और मार्केट यहाँ पे रेड जोन के अंदर ट्रेड होती हुई दिखाई दी। तो मार्केट जो ओपन हुई थी वो ऑलमोस्ट फ्लैट हुई थी, लेकिन इमीडिएटली मार्केट रेड जोन में आ गई। हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 21,630 था और यहाँ पे शुरुआत में ऐसा लग रहा था 5-10 मिनट कि शायद मार्केट संभलने की कोशिश कर रही है, लेकिन 9:30 से लेके 9:32 के बीच यहाँ पे आपका जो इंट्राडे मनी फ्लो है वो नेगेटिव हो गया। तो यही अपडेट मैंने 9:33 पे शेयर किया था कि हमारा आज का न्यूट्रल पॉइंट 21,630 है, मनी फ्लो यहाँ पे नेगेटिव हो गया और मार्केट इमीडिएटली उसका रिएक्शन हमें देखने को मिला मार्केट में, और मार्केट तेज़ी से अगले 10-15 मिनट के अंदर नीचे की तरफ आ गई। तो दोस्तों, यहाँ पे दिन के दौरान जो है मार्केट लगभग 130 पॉइंट्स के आसपास नीचे गई न्यूट्रल पॉइंट से, और बीच में मार्केट ने संभलने की कोशिश की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मार्केट कभी भी वापस न्यूट्रल पॉइंट को टेस्ट नहीं कर पाई। मार्केट ने सभी रूल्स को यहाँ पे फॉलो किया जो भी हमारे मनी फ्लो या न्यूट्रल पॉइंट से संबंधित रूल्स होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो कल का अंडरग्राउंड मनी फ्लो था वो भी नेगेटिव था, इंट्राडे मनी फ्लो भी नेगेटिव था। तो वहाँ पे अगर आप अपना मनी फ्लो एनालिसिस खुद करते हैं तो आइडियल सिनेरियो यही होता है कि जो क्लोजिंग बेसिस पे ईओडी अंडरग्राउंड मनी फ्लो होता है और इंट्राडे जो मनी फ्लो होता है वो अगर मैच कर जाए तो वहाँ पे एक तरीके का हमें कंफर्मेशन मिल जाता है मनी फ्लो एनालिसिस में कि मार्केट उसको फॉलो करने वाली है। कई बार हमें यहाँ पे विपरीत संकेत मिलते हैं, जो क्लोजिंग बेसिस पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो होता है या इंट्राडे मनी फ्लो होता है वो विपरीत संकेत देते हैं, लेकिन बेस्ट सिनेरियो मनी फ्लो एनालिसिस में वही होता है जो क्लोजिंग बेसिस पे अंडरग्राउंड मनी फ्लो है। अगर इंट्राडे मनी फ्लो भी वही डायरेक्शन में संकेत करे तो वो एक, उसको हम कह सकते हैं कि एक रिलायबल सिग्नल मनी फ्लो एनालिसिस के द्वारा हमें मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे कैश सेगमेंट की बात करें तो कोई बड़े प्लेयर्स की खास एक्टिविटी नहीं हुई यहाँ पे कैश के अंदर, छोटे प्लेयर्स आज भी एक्टिव थे। हाँ, कैश का मनी फ्लो हमें यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिला। वैल्यू बाय वॉल्यूम रेशो जो है वो इंक्रीज हुई, जो कि हमें क्लियर कट संकेत देता है कि छोटे प्लेयर्स यहाँ पे एक्टिव थे। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था। ऑप्शंस के मनी फ्लो की बात करें तो ये पॉजिटिव था, मुझे ऐसा लगता है पोजीशंस हेजिंग के लिए बनाई जा रही हैं। फ्यूचर्स के मनी फ्लो में थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव था, लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरफ इशारा किया जा रहा है जो कि एक न्यूट्रल संकेत है। जो बड़े FIIs हैं उसमें जो इनकी पोजीशंस हैं 5, उनमें से एक पोजीशन आज लॉस में आ गई, एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे, लेकिन अभी ओवरऑल यहाँ पे इनको प्रॉफिट ही दिख रहा है। एक खास बात दोस्तों, मार्केट नीचे की तरफ अभी 2 दिन से आ रही है लेकिन यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं है। ये मतलब काफ़ी एक अपने आप में यूनिक फिनोमेना है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं है। तो जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कशन कर रहे हैं कि मार्केट जो है कुछ और दिखाने की कोशिश कर रही है और कर कुछ और रही है, तो खैर वो तो हमें अगले कुछ दिनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस नहीं है बड़े FIIs की। फ्यूचर्स की बात करें तो कोई खास एक्टिविटी ओपन इंटरेस्ट में नहीं दिखी, इसको हम एक न्यूट्रल संकेत मानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर समरी के तौर पे देखें तो कैश का मनी फ्लो यहाँ पे हमें नेगेटिव दिख रहा है। एक और यहाँ पे खास बात मैं आपको बताना भूल गया कि ऊपर ले जाने वाले स्टॉक्स में कोई भी हैवी वेट नहीं था, जबकि नीचे ले जाने वाले स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हैवी वेट स्टॉक्स ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो आज भी यहाँ पे HDFC बैंक, रिलायंस और ITK हैवी वेट्स, TCS और इन्फोसिस मार्केट को नीचे खींचते हुए नजर आए। तो यहाँ पे जो कैश का मनी फ्लो है वो हमारा नेगेटिव था, ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव था लेकिन वो हेजिंग की पोजीशंस थी, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं।
तो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सरफेस मनी फ्लो हमें न्यूट्रल संकेत दे रहा है विद वीकनेस बायस। FIIs की कैश में कोई एक्टिविटी नहीं, ऑप्शंस में हेजिंग की पोजीशंस थी, फ्यूचर्स में कोई एक्टिविटी नहीं, तो बेसिकली FIIs का ओपिनियन अभी भी न्यूट्रल है मार्केट के प्रति। तो दोस्तों अंडरग्राउंड मनी फ्लो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। उम्मीद है कि मार्केट कल भी अंडरग्राउंड मनी फ्लो को फॉलो करेगी। और इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें। केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दिया है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है। सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना ले। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे मार्केट सेंटीमेंट के एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।